नमस्कार, इंडिया टाइम न्यूज में आपको स्वागत है। कन्नौज थाना इंद्रगढ़ के कठेला गांव निवासी 20 वर्षीय जितेंद्र कुमार पुत्र राकेश का खेत में खून से लथपथ पड़ा शव देखकर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंच गए। घटना की सूचना मिलते ही सीओ दीपक दुबे, थाना प्रभारी रुद्र प्रताप नारायण, पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने ग्रामीणों से घटना की जानकारी ली। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य लिए। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। पुलिस के अनुसार युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई है। पुलिस घटना की तह तक जाने के लिए जांच में जुट गई है। मैं आर्य कुमार सिंह उर्फ अनिल सिंह, ग्राम पोस्ट बेलहरी, पूर्व प्रधान, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। भाजपा का सर्वे पहुंचा, चाहे मीडिया के भी सर्वे पहुंचा, तमाम प्रत्याशियों का नाम आया, वहीं आपका भी सबसे अधिक नाम आया आने में? नहीं, हम दमदारी से भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए 363 विधानसभा बहरिया के लिए मैं अप्लाई किया हूं। जी, जिस तरह सुनने का अनुसार 2017 में भी आपने अपील किया था, पर किसी कारणवश कट गया, परंतु इस बार ये देखा गया जनता के रुझान आपकी तरफ है और पार्टी कार्यालय पर आपके जहाँ हाई कमान की जो भी मीटिंग हो रही थी लखनऊ में, वहाँ भी आपके दमदारी से चर्चा हुई, बातें हुई? जी, हम बलिया से हमारे जो पार्टी का रिपोर्ट है, नीचे स्तर से पन्ना प्रचारक से लेकर के सब लोगों का जो रिपोर्ट जो बलिया से गया है, गोरखपुर तक हम ठीक हैं। लखनऊ में भी सबसे अच्छा दमदारी से मैं वहाँ पर हम लोगों का बातचीत चल रहा है। लेकिन अब रही बात हाईकमान की, अभी हम लोगों का तो दो टिकट बलिया सदर और 363 बैरिया, दोनों में विलम्ब हुआ है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो शीर्ष के जो हमारे नेतागण हैं, संघ परिवार के नेताजी लोग हैं, उन लोगों की तरफ से हमारा जो है टिकट कंफर्म होगा। जी, जिस तरह मीडिया में जो मालूम है, जो बैरिया की स्थिति है वो भली भांति पूरे भारत को मालूम है और सिर्फ नेतृत्व में मालूम है, तो टिकट को लेकर इसी दशा लेट चल रही है। अगर उस स्थिति में जो यहाँ कंडीशन है, आपको टिकट दी जाती है, तीन लोगों कैसे अपनी तरफ फेवर कर चलेंगे? नहीं, यहाँ का तो बैरिया का मामला ऐसा है कि फेवर में लेने और नहीं लेने की, जो भाजपा के परिवार के लोग हैं वो हमेशा रहे हैं, आज भी हैं। मैं तो इतना तक कहता हूं कि अगर बाई देवे हमें पार्टी ने स्वीकार नहीं किया, फिर भी जिसको भी देंगे हम लोग भाजपा के हम लोग साथ रहते हैं। आज से नहीं हैं, हमारे पिताजी भी इसमें जनसंघ के टाइम से रहे हुए हैं और सन 70-71 में वो जनसंघ दिया निशान से चुनाव भी विधानसभा लड़ चुके हैं बैरिया विधानसभा में। तो कहने का मतलब है कि हम लोग समर्पित भाजपा के आज से नहीं है, हम लोग ब्लड से शुरू से जन्म से हैं। जी, तो जिस तरह ये मालूम चलता है, अगर आपको टिकट देती है तो क्या आप यहाँ बैरिया विधानसभा सीट निकालने की क्षमता रखते हैं? बिल्कुल क्षमता रखते हैं, तभी तो मैं अपनी भागीदारी किया हूँ। और